An arrow is shot into the air. Its range is 200 meter, and its time of flight is 5 second. If the value of g is assumed to be 10 meter per second, then the horizontal component of the velocity of arrow is. चलो देखते हैं. Time of flight 2u sin theta by g. ये कितना है? 5. ठीक है. अब हम बात करते हैं r की. r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 u square sin square theta upon, गलत लिख दिया, u square sin 2 theta upon g. यही रेंज है. इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं. r कितना है? 200. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 u sin theta u cos theta upon g. क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? कितना है? 5. तो u cos theta कितना हो जाएगा? क्या u cos theta ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था? तो 200 डिवाइडेड बाय 5, और ये कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.